International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer, and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. देखिए, हर वर्ष नवरात्र के बाद विजयदशमी आती है और विजयदशमी पर जिस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण को रावण दहन का कार्यक्रम पटेल मैदान में आयोजित होता है, जिसमें लाखों की संख्या में पटेल मैदान में अजमेर वासी, आसपास के क्षेत्रवासी देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वैश्विक महामारी ने इस बड़े त्यौहार को भी अपने ग्रस्त में ले लिया है। इसका दुख हमें ज़रूर है, लेकिन ये महामारी को देखते हुए सरकार ने जो डिसीजन लिया है, निश्चित रूप से ये वैश्विक महामारी ना फैले उसको देखते हुए लिया है। और ये वायरस जो है, इस प्रकार का वायरस है कि इसमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सोशल डिस्टेंस और इन सब की पालना नहीं होती, इसलिए पटेल मैदान में इस बार रावण दहन का कार्यक्रम नहीं हुआ। और लोगों में बिल्कुल थोड़ी बहुत निराशा ज़रूर है कि इतना बड़ा जो साल भर का त्यौहार, जो बच्चे इंतज़ार करते हैं, बड़े इंतज़ार करते हैं, उनको साल भर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार का आयोजन ना होने की वजह से थोड़ा दुख हमें भी है। लेकिन ये वैश्विक महामारी ने जो रावण का एक कार्यक्रम, रावण दहन का कार्यक्रम है, उसको भी अपने ग्रस्त में लिया, इसका दुख निश्चित रूप से हमें है। कितने साल पुरानी ये परंपरा, जब से अनादिकाल से होती आई है, जब सतयुग था, फिर द्वापर युग, और फिर जब ये कलयुग चल रहा है, इसमें ये तीनों युगों से जब से परंपरा हमारी चलती आ रही है कि रावण का जब जब अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत, निश्चित रूप से इसी का प्रतीक मानकर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, उसको लेकर इन शिक्षा दी जाती है। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलें और उनके दिए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अच्छा लोगों का जीवन कर सकते हैं। गोपाल बंजारा। ये भैया, एक ऐसे बरसों पुरानी परंपरा टूटी है इस कोरोना के चक्कर में, तो वैसे तो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं ये कोरोना बीमारी कब ख़त्म होगी, और कब, जैसे वो रूटीन में चल रहा था वैसा पता नहीं कब चलेगा। तो मेन समस्या जो ये कोरोना है, इसको लेकर जो भी हुआ है कोरोना के चक्कर में हुआ है। क्या रावण भी कोरोना की चपेट में आया? अब सर वो तो देखा नहीं था उस टाइम का, पता नहीं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो समस्या है वो कोरोना है, तो इसको लेकर ये हुआ है। कैसा महसूस हो रहा फिर भी है, कैसा लग रहा है कि अजीब था? अजीब ही लगता है सर, जैसे आज के दिन वैसे जो रौनक होती है यहाँ वो कुछ अलग ही होती है, जैसे कि आज कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पे शांति है तो अच्छा नहीं लग रहा कुल मिला के बात की है। मैं पटेल स्टेडियम अजमेर में खड़ा हूँ जी, और इधर देख रहे हो आप, नज़ारा नज़र आ रहा है कि आज नवरात्र पूरी ख़त्म हो चुकी है, दशहरा बनता है, लेकिन 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में कोई भी आदमी, मतलब कोई, ना तो कोई आदमी है, ना कोई कागले, कुछ भी नहीं उड़ रहे हैं इधर, तो आज पहली बार ऐसा हुआ है। जबकि नवरात्र में आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं, नवरात्र के बाद में सब जब भी जाते हैं, जब आज तक ऐसा हुआ है कि हमेशा पब्लिक, लाखों, मतलब हज़ारों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी होती है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल खाली सा महसूस है। बिल्कुल कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल ऐसी हालत हो रही है, जैसे रावण को भी कोरोना हो गया, या ऐसा कुछ, कोई मीडिया व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि वैन के ऊपर जो 108 गाड़ी है उसके ऊपर रावण को दिखा रहे हैं, भाई रावण को ही कोरोना हो गया। ये महामारी विश्व में बहुत भारी महामारी है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल इसको देखते हुए बिल्कुल इतना अजीब सा लग रहा है कि मतलब क्या हाल हो रहा है देश का। नाम आपका? सुरेंद्र सिंह नाम।